हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि भी बैटल्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप जान जाएं तो आपके जीतने के चांस बढ़ सकते हैं। स्टेप नंबर वन, जब आप कोई पीवी बैटल करते हैं तो उसमें आपके अपोनेंट की स्ट्रेटजी को समझ के खेलना पड़ता है। स्टेप नंबर टू, किसी भी डायनो को पोस्ट करने से पहले उसकी एबिलिटी को अच्छे से समझ लें ताकि आपके विनिंग चांसेस इंक्रीज हों। स्टेप नंबर थ्री, बैटल्स का मैच मेकिंग सिस्टम ऐसा है कि आपको ओपोनेंट या तो आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है या फिर काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। इसके अलावा जब 30 सेकंड पूरे होते हैं बैटल्स के तो उसमें आपको फाइंड एआई का ऑप्शन रहता है जो कि एक इजी बैटल विन दे सकता है आपको। बैटल्स में प्रायोरिटी अटैक उसका ही होता है जिसका स्पीड कुछ ज़्यादा होगा। स्टेप नंबर फाइव, किसी भी डायनासोर पर जल्दी बूट स्पेंड ना करें। अगर आप कोई देखते हैं कि कोई डायनासोर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बैटल में अच्छा परफॉर्म करें, केवल उन डायनोस को अपग्रेड करें जो आपको लगे कि हाँ इसके जीतने के चांस ज़्यादा है। स्टेप नंबर सिक्स, पीवीपी मतलब प्लेयर वर्सेस प्लेयर होता है, ठीक है। इसका मतलब आपके विनिंग और लूजिंग के चांस हमेशा 50-50 रहते हैं। स्टेप नंबर सेवन, बैटल से आपको पर डे 1 DBI इनक्यूबेटर मिलता है। उसमें आपको थोड़ा बहुत DNA अमाउंट, बूट्स और कैश मिलेगा, इसलिए बैटल्स करना भी जरूरी है जिससे आपका ट्रॉफी काउंट पड़ेगा। स्टेप नंबर एट, अगर आप पीवीपी बैटल में बार बार लूज हो रहे हैं तो आप कैंपेन, टूर्नामेंट या फिर फ्रेंडली बैटल्स भी कर सकते हैं जो कि बैटल्स में ही काउंट होते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी इंपॉर्टेंट लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।